केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में जेब कतरों ने धावा बोला था। इंदौर के साथ साथ खरगोन जिला और देवास जिले की तीन दिनी यात्रा जब इंदौर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की शुरू हुई थी, उसमें लोगों का काफ़ी समर्थन देखने को मिला। लेकिन वहीं हम बात करें जेब कतरों की, ऐसे जो बड़े आयोजन होते हैं उसमें जो ये जेब कतरे होते हैं, इनका गिरोह जो होता है इसमें काफ़ी सक्रिय होता है और ये इतनी चालाकी से, इतने शार्प तरीके से व्यक्ति की जेब पे हाथ साफ करते हैं, उसको पता भी नहीं पड़ता। और जब वह उस कार्यक्रम से बाहर निकलता है और उसको पता पड़ता है कि भाई हमारी जेब कट चुकी है, और जेब कटने के बाद जब उसको अफसोस होता है तो ऐसा लगता है कि हम क्यों गए उस यात्रा में। हालांकि पुलिस ने भी इसमें काफ़ी मुस्तैदी दिखाई, और जब खरगोन ज़िले के अंदर बड़वा में जब यात्रा की शुरुआत हुई, उसमें जब एकाएक जेब कटना शुरू हुई और लोगों की वहां पर थाने में पहुंच के शिकायत शुरू हुई, वहां पर पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करी और एक ऐसा बड़ा गिरोह जेब कतरों का पकड़ा जो इंदौर से सिर्फ उस यात्रा में जेब काटने ही गया था। हालांकि यह भी एक बड़ा जुमला होता है कि किसी नेता की जेब कटना काफ़ी बड़ी बात होती है, लोगों को लगता है कि भाई नेता है और उसकी जेब कट चुकी है, तो इसमें भी लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन जब उस व्यक्ति की जेब कटती है, उसको पता होता है कि उसको कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ और परेशानी होती है। हालांकि पुलिस ने एक बड़ा काम किया है, शायद ही ऐसा मामला पहली बार सामने आया हो कि इस प्रकार के बड़े आयोजन में जेब कटने के बाद किसी गिरोह को पुलिस के द्वारा पकड़ना पहली बार ही माना जा रहा है। लेकिन यह जो गिरोह था, ये काफ़ी बड़ा गिरोह था, तकरीबन 68,000 से अधिक इस पूरे गिरोह के पास से जेब काटने का जो पैसा था वह बरामद हुआ है। और ये इंदौर से बड़वा उस यात्रा में सिर्फ जेब काटने ही गए थे। हालांकि इंदौर में भी कई ऐसे नेता हैं जिनकी यहां पर यात्रा के दौरान जेब कटी और उनको काफ़ी अफसोस भी हुआ। लगातार जो है इंदौर और इंदौर के आसपास इस प्रकार के गिरोह सक्रिय हैं और ऐसे आयोजन में यह वही भूमिका निभाते हैं जिस प्रकार से लोगों को दिक्कत और कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनने की कोशिश भी करते हैं। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।